फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकिस्तान की साइड से, और ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 2018 में पाकिस्तान ने टर्की के साथ $1.5 बिलियन में एक डील साइन करी थी 30 टर्किश मेड यानी कि 30 टर्किश मेड अटैक गनशिप लेने के लिए। तो ये टर्किश अटैक T-129 ट्विन इंजन टेंडम सीट मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, जो कि बेस्ड हैं अगुस्ता A-129 मंगुस्ता पे। तो अमेरिका ने इसकी डिलीवरी को ब्लॉक कर दिया है। ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और ना ही यहाँ पर हम पाकिस्तान का मार्केट ख़राब कर रहे हैं। ये न्यूज़ पाकिस्तान के काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर डॉन के द्वारा पब्लिश करी गई है। तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ के हिसाब से टर्की के जो प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन हैं इब्राहिम कलिन, उन्होंने मीडिया को बताया कि अमेरिका ने टर्की के हेलीकॉप्टर की जो सेल है पाकिस्तान को, वो ब्लॉक कर दी है और अब पाकिस्तान हो सकता है चाइना से अपने हेलीकॉप्टर्स ले। तो पाकिस्तान फिर से अपने लोहा भाई यानी कि आयरन ब्रदर के पास जाएगा मजबूरी में। तो ये बात भी हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट ऑपरेट करती है, और इसके पीछे कारण ये है कि शुरुआत से उन्होंने वेस्टर्न इक्विपमेंट्स ऑपरेट किए हैं, तो जो चाइनीज़ वेपन है वो उनकी पहली प्रायोरिटी कभी भी नहीं रहे हैं। ये केस हेलीकॉप्टर में भी अप्लाई होता है, जो कि अब मजबूरन चाइना से लेना पड़ेगा। तो ये हेलीकॉप्टर T-129 अटैक बेस्ड है अगुस्ता 129 मंगुस्ता प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो मंगुस्ता हेलीकॉप्टर है, ये एक इटालियन हेलीकॉप्टर है जो कि 1983 से सर्विस में है। तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, पर इंजन जो है वो चेंज है। जो टर्किश T-129 है उसमें LSTEC का CTS-800 टर्बोशाफ्ट इंजन लगा है, जो कि करीबन 1360 यानी कि 1360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। वहीं पर जो मंगुस्ता में इंजन लगे हैं वो रोल्स रॉयस के इंजन हैं और करीबन 890 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो जो टर्किश हेलीकॉप्टर है वो ज़्यादा पावरफुल इंजन को यूज़ करता है, जिसका रिजल्ट उसकी परफॉर्मेंस में दिखता है, जहां पर उसका रेट ऑफ क्लाइंब और सर्विस सीलिंग दोनों ही ज़्यादा है। तो टर्किश T-129 सर्विस सीलिंग देता है करीबन 6000 मीटर की, जो कि डेफिनेटली LCH की सर्विस सीलिंग से कम है पर कंपेरेबल है। तो हो सकता है LCH के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने इस हेलीकॉप्टर को चूज़ किया हो। तो अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया है कि जो इसके इंजन लगते हैं वो अमेरिकन हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। तो अमेरिका ने जो पहला ब्लॉकेड है उसका अनाउंसमेंट जुलाई 2019 में किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से कुछ दिन पहले ही। तो 2020 में ही ये चीज़ रिपोर्ट करी गई थी कि जो डिलीवरी है उसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया था ताकि स्मूथ डिलीवरी हो सके और पाकिस्तान को टाइम मिलता चाइनीज़ Z-10 हेलीकॉप्टर्स को इवेल्युएट करने के लिए अगर डील पे काम नहीं हो पाता है। तो अगस्त 2020 में टर्की ने वॉशिंगटन लॉ फर्म लॉबी को हायर किया US एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए, ताकि एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाए और जो बिगेस्ट डील पाकिस्तान से टर्की की हो रही है वो कंप्लीट हो पाए। तो टर्की ने US फर्म ग्रीनबर्ग ट्रॉरिंग को करीबन $25,000 यानी कि $25,000 पर मंथ दिए लॉबिंग के लिए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये चीज़ आखिरी में भी ब्लॉक कर दी गई और अब पाकिस्तान को मजबूरन चाइना के पास जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को मजबूरन अपने लोहा भाई को यानी कि आयरन ब्रदर को कांटेक्ट करना पड़ेगा सब स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो कि शुरुआत से ही उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं रहे हैं। बाकी जो वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले थे वो काफ़ी डिसेंट हेलीकॉप्टर था, हेलफायर और स्पाइक ईआर जैसी मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम था। साथ ही साथ उसकी सर्विस सेलिंग और रेट ऑफ क्लाइंब वगैरह काफ़ी अच्छा था हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, पर अमेरिका के लेटेस्ट ब्लॉकेड के बाद मजबूरन Z-10 के पास जाना पड़ेगा और चाइनीज़ हेलीकॉप्टर को यूज़ करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। Z-10 भी एक डिसेंट हेलीकॉप्टर है, पर पेपर में फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं था, इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।